खेती सोध कानूनों के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल वालों चंडीगढ़ वालों कड़ी गई रैली शुरुआत तीन तक साहबाना तो की थी। रैली दौरान भवानीगढ़ विच किसानों ने हरसिमरत कौर बादल नूं दिखाईयां जुत्तियां। किसान विरोधी खेती बिलों नूं लैके श्रोमणी अकाली दल वालों अज कड़ी रोस रैली नूं आम आदमी पार्टी दे लीडर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इह सिर्फ लोकां नूं भरमाण दी कोशिश कर रहे ने। पंजाब ने अनलॉक पंज दीआं गाइडलाइन कीतीआं जारी, नाइट करफ्यू अते एतवार नूं लगदे लॉकडाउन नूं हटाया। सत श्री अकाल, दैनिक सवेरा न्यूज रूम तो मैं रजिंदर कौर। खेती सोध कानूनों के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल वालों अज चंडीगढ़ वालों रोस रैली कढ़ी गई, जिसकी शुरुआत तीन तख्त साहबाना तो की गई। श्री अकाल तख्त साहब अमृतसर तो सुखबीर बादल ते बिक्रम मजीठिया अते तख्त दमदमा साहिब तो हरसिमरत कौर बादल ते इस दे नाल ही तख्त केसगढ़ साहिब तो प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा ते दलजीत चीमा की अगवाई दे विच ए रोस रैली का आगाज किया गया। श्री अकाल तख्त साहब तो गुरु महाराज का ओट आसरा लैके आशीर्वाद लैके एक किसान मार्च जी अज श्री अमृतसर साहब तो शुरू हुई है, ये बाद हो जानी है सीधी मार्च गवर्नर हाउस जाऊगी, जिथे दे पंजाब दे गवर्नर नू मेमोरेंडम दिता जाऊगा कि सेंटर की सरकार खास करके राष्ट्रपति नू बेनती है कि आ दो हाउसेज नू फिर तो बुलाया जाए। देश दे किसान जिहड़े संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि जिहड़ा काला कानून है उन्हां दे बड़ा खिलाफ है, तो उस कानून नू फिर तो रद्द किया जाए, तो इसलिए सैशन बुलाया जाए। सो मार्च जिहड़ा है हुणी शुरू हो रहा है, तो पूरी संगत एक मार्च इतों शुरू हो रहा है, एक मार्च तक श्री तलवंडी साहब तो शुरू हो रहा है, एक श्री आनंदपुर साहब तो। जिमें खालसा पंथ की ट्रडिशन है, गुरुआ का गुरु नाथ चरणा अरदास बेनती करके वोट आस लैके आप जो भी काम करते हैं करते हैं, तो इसलिए मार्च अच इतों शुरू हो रहा है। तीन तंग साहबाना तो चंडीगढ़ वालों बहीरा कर चुके और मैं समझता कि इस रोस मार्च ने जिते लंबे समय तो किसान संघर्ष में शक्ति देनी है ताकत देनी है उत्थे देश के अंदर एक नवी साहबंदी का आगाज करना। आनंदपुर की धरती जिते पांच दहाके पहला जो चिंग लाई सी अकालिया ने देश के सूबे वध अधिकार देने की, वो अज एक भांबड़ का रूप बन जा रही है और देश व्यापी मुहिम से राजनीतिक जिहड़े खेतरी पार्टियां ने लामबंद करके इनू शुरू करांगे। तां जी किन्ना क जोश है ते किन्ना क सेंटर सरकार दे खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है? मैं समझदा सारा पंजाब सड़कां ते निकल के आ गया, सारा पंजाब घरां चों निकल के आ गया और सारे पंजाब की शमूलियत ने साबित करता कि श्रोमणी अकाली दल ने जिहड़ी लामबंदी कीती है इहदे नाल किसान संघर्ष तकड़ा होएगा और देश दे विच सूबे नूं वध अधिकार देण दी लहर जिहड़ी आ प्रचंड होएगी। जिहड़ा एक काला कानून केंद्र दी सरकार ने पास कीता है सूबे की सरकार की मिली भुगत के नाल, अज इस कानून नू वापस कराने वास्ते एक वड्डा संघर्ष श्रोमणी अकाली दल ने अज अपना सारा कुछ छड़ के रिश्ता नाता गठबंधन कुर्सी सरकार सब कुछ छड़ के अज वो छोटे छोटे खेत के मजदूर जिन्हां दे किसानां दे नाल दानियां दे नाल उन्हां दे परिवारां दे ढिड पलदे ने, अद्धे किले एक किले वाले छोटे किसान जिन्हां दा सब कुछ इस कानून दे नाल सब खत्म हो जूगा, वड्डे छोटे हरेक दा, वो आड़ती हैं जिन्हां दे आड़त दे नाल किसानां दे नाल जुड़ी हुई है, ते वह दुकानदार व्यापारी हरेक जिहड़ा इस किसान दी आमदन दे नाल अज पंजाब जुड़िया होया है, अज इन्हां सारिआं दी आवाज़ बन के श्रोमणी अकाली दल ने मोढ़े दे नाल मोढ़ा लगा के अपने किसानां दा साथ दे के इस लड़ाई विच शुरुआत ते पहल कीती है। अरदास गुरु साहब दे चरणा च आही कीती कि देश सेवा वर मोहे एह शुभ करमन ते कबू ना टरू ना डरू और सो जब जाए लड़ू निश्चय कर अपनी जीत करू। श्रोमणी अकाली दल वालों अज रोस रैली कढ़ी गई, जिस उपर आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने बयान देंदे हुए कहा कि पहला तो सुखबीर सिंह बादल इन्हां ऑर्डिनेंसा दे लई लोकां नूं जागरूक कर रहे सी, पर जदों पूरा पंजाब इस दे खिलाफ हो गया तो उन्होंने बीजेपी नालों अपना रिश्ता तोड़ लिया, ये सिर्फ ते सिर्फ लोगों नूं भरमाउण दी कोशिश कर रहे ने। जो पंजाब के लोगों ने कंधा ते लिखता भी साडे घरां च ना बड़ियो साडे पिंडां च ना आयो, उस समय जाके इन्होंने इस्तीफा दिता,
फिर गठजोड़ तोड़िया। हुण जिहड़ा हैगा ये साढ़े गुरद्वारा साहबान की जिहड़ी दुरवरतों कर रहे हैं, उत्थे आपदियां सियासी रैलियां कर रहे हैं और गुरद्वारा साहबान जाके जिहड़ा सियासी जिहड़ा मैं समझदा झूठ बोलिया जा रहा, गुरद्वारा साहबान नूं वरत के जिहड़ा हैगा ये पंजाब का माहौल खराब करना चाहुंदे ने और किसान के संघर्ष नूं तोड़ना चाहुंदे ने, तार पीडो कर रहे हैं कि संघर्ष नूं तां कि किसान दा संघर्ष आ फेल हो जाए। ये किसान के संघर्ष नूं फेल करन दी चाल आ गई। सो जदों भी कदे अकाली दल जदों भी गलतियां करता गा, जदों भी लोग पिछे पैंदे ने, तां उस समय जिहड़ा अकाली दल आ उह गुरद्वारा साहबान जाके शरण लैंदा गा, हुण भी उही काम कीता गा। सो हुण भी जिहड़ा हैगा पंजाब दा सबका मुख्यमंत्री जिहड़ा हैगा उह पंजाब दा माहौल खराब करना चाहुंदा, पंजाब विच जिहड़ा लड़ाई झगड़ा करवाउणा चाहुंदा गा, तां ही उह इस तरां दा जिहड़ा हैगा नाटक कर रिहा गा। चंडीगढ़ जा रहे हरसिमरत कौर बादल दे काफिले नूं भवानीगढ़ दे किसानां दे गुस्से दा शिकार होना पिया, जिथे किसानां वल्लों हरसिमरत कौर बादल नूं जुत्तियां विखाईयां गईयां अते हरसिमरत कौर बादल दी इस रैली नूं महज इक ड्रामा दस्या। साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल नूं भवानीगढ़ च किसानां दे गुस्से दा शिकार होना पिया। भवानीगढ़ च पहुंचे हरसिमरत कौर बादल दे काफले दा किसानां वल्लों जम के विरोध कीता गया। इन्ना ही नहीं, किसानां वल्लों हरसिमरत कौर बादल दे काफले नूं जुत्तियां भी दिखाईयां गईयां। जिस गड्डी दे विच हरसिमरत कौर बादल बैठे हुए सन उस गड्डी नूं रोकण दी कोशिश भी कीती गई है। अकाली दल ने सैन करे ने पहला हरसिमरत बादल ने हूँ ड्रामे करती फिर दी आ, दस दिन पहले तो होर बयान दे रही थी भी ये अकालिया किसानों के हक च कानून आ, नहीं रुकते असी साडा गुस्सा है सानू इन्हां ते, असी इन्हां नूं पिंडां च भी नहीं बण दिंदे। हाँ पुलिस वाले ने नहीं करते जो होंदा होंदा मूहरे आउंदा उन्हां दे गड्डी। हाँ ਇਹਨੇ ਸਾਇਨ ਕਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਦੋਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬੜਬੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੋ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੀਸਫੁਲ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ जो भी है ठीक है, मैं क्लियर नहीं है, मैं अभी पिछे आ रहा काफले नाल ही, मैंने बारे गल नहीं है कि वेरीफाई कर रहे हैं, बिलकुल अभी वेरीफाई कर रहे हो जो भी है गल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਲੌਕ 5 ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਲੌਕ 5 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਨਲੌਕ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਨਲੌਕ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ 'ਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਇਨ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਈਲ ਪਰ ਬਜਾਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਕੋ ਰੋਕਨੇ ਕੇ ਵੋ प्रियंका जी और राहुल जी को रोकने पर आदित्यनाथ सरकार क्यों लगी है? सवाल ये, सिद्धार्थनाथ सिंह जाकर अपराधियों को पकड़ते क्यों नहीं? रात के अंधेरे में कोई संस्कार करता है?
रात के अंधेरे में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संस्कार नहीं हो सकता और माँ बाप को छोड़कर इस प्रकार से संस्कार क्यों किया जा रहा है, क्यों अत्याचार किया जा रहा है? क्योंकि सिर्फ क्योंकि वो दलित है, सिर्फ क्योंकि वो गरीब है, सिर्फ क्योंकि वो एक बेटी है उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की। जिक्र योग है कि बीते दिनी यूपी दे हाथरस च एक 19 साल लड़की नाल गैंगरेप होया सी, जिस तो बाद पूरे देश विच ही उस लड़की लई इंसाफ दी मांग कीती जा रही है। ते ऐसे दे चलदे अज राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी भी गैंगरेप पीड़िता दे परिवार नूं मिलन जा रहे सन। जिस लड़की दी तस्वीर नूं हाथरस विच होए गैंगरेप दी पीड़ित दस के लोकां वल्लों उस नूं सोशल मीडिया ते वायरल कीता जा रहा है। दरअसल ओ लड़की चंडीगढ़ विच रहण वाले एक परिवार दी लड़की है, जिस दी मौत 2 साल पहला ही एक बीमारी दे नाल हो चुकी है। मेरी बेटी सच्ची थी, नाम से बहुत अच्छी थी, उसका नाम बदनाम हो रहा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इसके लिए ऐसे किया जाए कि उसका नाम आगे ना बढ़े। गया हुआ दुख मेरा फिर वापस ला रहे हैं लोग, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसका नाम आगे ना बढ़े। डाला होगा तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना, बिना सोचे समझे ऐसे किसी को भी उछाल देगा ऐसे बंदा। आपने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है? हाँ, दर्ज कराई है मैंने। कहाँ पे दी है जी? SSB 9th Headquarter। किसी की भी फोटो मतलब शेयर करना विदाउट किसी की परमिशन, ये एक क्राइम है, ठीक है। और उसकी डेथ पहले ही हो चुकी है 2 साल, वो भी किसी अदर रीज़न से, उसको मतलब ये रेप केस के साथ करके कि हाँ मतलब इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, हमारी इसमें इंसल्ट हो रही है, ठीक है, जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, उसकी फ़ोटो ऐसे मीडिया पे उछालना और तरह तरह की बातें बनाना, ये मतलब हमारी भी इमेज पे मतलब इफेक्ट करता है और मतलब जो हमारे रिलेटिव हैं उन सबकी मतलब रेपुटेशन खराब हो रही है। ये सन हुण तक दियां खास खबरां, वधेरे जानकारी लई जुड़े रहो दैनिक सवेरा टीवी दे नाल। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।